हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी के करंट अफेयर। 10 जनवरी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इसके साथ साथ आपको PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करिए और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चीन में भारत के नए राजदूत के तौर पर किसने पदभार संभाला है? तो चीन में भारत के नए राजदूत कौन है? विक्रम मिस्त्री। कौन है? विक्रम मिस्त्री। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले थे गौतम बांबा वाले। कौन है? गौतम बांबा वाले इसके पहले थे। और प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें तो प्रेजेंट टाइम में है विक्रम मिस्त्री। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा चीन के बारे में। आपको पता है कि चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। जो आपको थोड़ा सा डाउट करेगा वो करेगी चीन की मुद्रा। चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? रेनमिंबी। क्या कहते हैं? रेनमिंबी है चीन की मुद्रा। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। और आपको पता है चीन एक ऐसा देश है जो क्या करता है? हमेशा अचीवमेंट्स करता रहता है। आपको बताना है कि अभी चीन ने चांद के पिछले हिस्से में जो स्पेस क्राफ्ट उतारा है उसका नाम क्या है? मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। चांद के पिछले हिस्से में अपना स्पेस क्राफ्ट सफलतापूर्वक उतारने वाला कौन है? चीन। इसके अलावा चीन ने खुद की GPS प्रणाली भी शुरू किया है, 2 चांद भी बनाए हैं, कृत्रिम चांद भी बना लिया है चीन ने, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है, बिकॉज ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक किसी भी देश ने चांद के पिछले हिस्से में स्पेस क्राफ्ट नहीं उतारा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व बैंक के प्रेसिडेंट 1 फरवरी 2019 को अपने पद से इस्तीफा देने की बात कहे हैं, उनका नाम क्या है? तो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? इस समय विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। कौन है? जिम योंग किम। और इन्होंने कहा है कि ये 1 फरवरी 2019 में इस्तीफा दे देंगे। विश्व बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? तो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था जिसमें विश्व बैंक की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय है Washington DC, अमेरिका, ठीक। विश्व बैंक के अंडर में 5 संस्थाएँ हैं, काम करती हैं। कौन कौन है? IRBD, ठीक, IBRD होगा, ठीक है, इंडियन बैंक फॉर रिकन्सिलेशन। उसके बाद हमारा ADA, फिर है हमारा IMF, फिर है MIGA, फिर है हमारा ICSID, ठीक है। तो ये हमारी 5 संस्थाएं हैं। अब आप लोग सोचेंगे अगर मैं इसका डिटेल यहाँ पे बताऊँ तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो बाद में मैं आपको विश्व बैंक, IMF, इन सब के बारे में पूरा डिटेल दे सकती हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है कुमार राजेश चंद्रा को। अगर हम लोग बात करें कि SSB की स्थापना कब हुई थी, तो SSB की स्थापना हुई थी 1963 में और इस समय इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन हमारा, IMF की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री का पद किसने संभाला? तो यह संभाला है गीता गोपीनाथ ने। किसने संभाला है? गीता गोपीनाथ ने। गीता गोपीनाथ 1 जनवरी 2019 से इसका पद संभालेंगी और 11 अक्टूबर को ही इसकी घोषणा हो गई है। अगर हम लोग बात करें गीता गोपीनाथ कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो बेसिकली तो ये इंडिया के मैसूर से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? इंडिया में इनका जन्म है और इन्होंने इनका जन्म कहाँ पे लिया था? तो मैसूर में। IMF में यह 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री हैं और इस समय यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, ठीक है। यहाँ पे गलती से देखिए प्रोफेसर लिखा गया, क्या थी? प्रोफेसर थी, ठीक है। IMF की बात करें तो IMF की हिंदी होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आ जाता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस समय इसकी प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? जर्मनी से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन आता है कि IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो IMF में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है Washington DC। फिलहाल आप लोग याद रखिएगा किसके बारे में? गीता गोपीनाथ के बारे में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वेदांगी कुलकर्णी के बारे में बताया था, तो आप कमेंट करिए कि वेदांगी कुलकर्णी का संबंध किससे है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वेदांगी कुलकर्णी का संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन हमारा, अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन।
अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन के लेखक हैं मनोहर मनोज। कौन है? मनोहर मनोज। और इसका विमोचन किसने किया? क्योंकि बुक्स से देखिए आपके क्या क्वेश्चन आते हैं, एक तो पुस्तक के लेखक कौन है, दूसरे की उस बुक का विमोचन किसने किया। तो इसका विमोचन किया है हरिवंश नारायण सिंह ने, जो कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं। करंट टाइम में क्या है? राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं हरिवंश नारायण सिंह। और अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन के लेखक कौन है? मनोहर मनोज। आजकल देखिए जितने भी एग्जाम होते हैं सब में बुक से एक क्वेश्चन आते हैं, जो भी करंट में बुक्स लिखी जा रही हैं उससे एक क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो देखना है बुक्स रिलेटेड, तो जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसके लिए आप बुक्स एंड ऑथर की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी बुक्स वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी और आप उसको एक बार याद कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 बार हॉपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो 3 बार हॉपमैन कप किसने जीता है? रोजर फेडरर ने। किसने जीता है? रोजर फेडरर ने। इन्होंने जो अपना 3रा कप जीता है हॉपमैन कप, वो जीता है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और यह किस श्रेणी में दिया जाता है? तो टेनिस में दिया जाता है। हॉपमैन कप किस में दिया जाता है? टेनिस में। इन्होंने हराया किसको? इस समय इनका जो मुकाबला था किससे था? टेनिस की प्लेयर हैं सेरेना विलियम्स। ऑस्ट्रेलिया में इनका मुकाबला था सेरेना विलियम्स से। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण देने के लिए कौन से नंबर के संविधान संशोधन विधेयक 8 जनवरी 2019 को पारित किया गया है, लोकसभा में पारित किया गया है। यहाँ पे देखिए पराजित लिए क्या होगा, पारित किया गया है। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा? 124वां। लेकिन संविधान संशोधन अलग होता है और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो अलग होता है, क्योंकि देखिए कानून बनने के लिए बहुत से विधेयक भेजे जाते हैं। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि सही नहीं बताया गया है। अब ये यहाँ पे हम बात करें किसकी? संविधान संशोधन विधेयक की। और विधेयक को जब अप्रूवल मिल जाता है तब वह विधेयक कानून बनता है। ठीक है, तो कानून ऐसा नहीं कि जितने भी विधेयक भेजे जाते हैं हमारे संसद में सबके सब अप्रूव हो जाते हैं, बहुत से विधेयक अप्रूव नहीं होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि यह कौन से नंबर का विधेयक है, 124वें नंबर का है। अगर हम लोग बिल की बात करें, यह बिल किसने पेश किया लोकसभा में, तो इसको पेश किया है थावर चंद गहलोत ने। और अगर यह पास हो जाता है, इफ़ यहाँ पे लगा है कि अगर पास हो जाएगा तो हमें किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा, अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि जो ये आया है हमारा 10% आरक्षण का मुद्दा है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, क्या थी टर्म्स एंड कंडीशंस? कि जिनकी भी इनकम 8 लाख से कम हो, सालाना इनकम कितनी हो, 8 लाख से कम हो, 5 हेक्टेयर से कम की खेती हो, 1000 स्क्वायर फीट से कम घर हो, तब क्या होगा, तब उन्हें दिया जाएगा आरक्षण। और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था कि जो हमारे संविधान में लिखा है कि आप आरक्षण मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो तीनों का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तीनों का मिला करके अभी ही 49.5% है। तो अपने आप में सोचने की बात है कि क्या यह पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग कल के जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनका रिविज़न कर लेते हैं और आप लोग भी देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन याद हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, भारत ने पहली बार विदेश में किस बंदरगाह का संचालन शुरू किया, तो चाबहार पोर्ट। इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा शाहिद बेस्ती पोर्ट, क्योंकि अगर एग्जाम में ये आ गया तो मैक्सिमम लोगों को क्या याद करके रखा है, चाबहार पोर्ट। तो नाम क्या है, शाहिद बेस्ती पोर्ट। आरक्षण के बारे में सबको पता है कि कितने आरक्षण की बात की गई है, तो 10%। इसके अलावा आपको पता है कि कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, तो 124वां। किस आर्टिकल में संशोधन होगा, तो आर्टिकल 15 और 16। अगला था हमारा कि 76 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो ग्लेन क्लोज को। किसे मिला है? ग्लेन क्लोज को। और नेक्स्ट था हमारा कि भारत की किस नदी में पहली बार ऑक्टोपस दिखाई दिए हैं, तो यह दिखाई दिए हैं नर्मदा नदी में। ठीक है, कौन सी नदी में? नर्मदा नदी में। और मैंने आपको बताया था कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है, गुजरात में, और यहीं बना है हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि जो नवोदय विश्वविद्यालय है उसमें सीटों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई है, तो सीटों की संख्या 5000 बढ़ा दी गई है। तो 2019-20 में जो सीटों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 51। टोटल सीटों की संख्या 5000 बढ़ाने के बाद 51000 हो गई है।
अगला क्वेश्चन था हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण। इसके पहले या किसके पास था या जो ख्याति है तो यह थी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड को थे, जिसमें 1,04,000 लोग बैठ सकते थे, और ये जो हमारा गुजरात के अहमदाबाद में बन रहा है इसमें 1,10,000 लोग बैठ सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 80वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है, तो यह कटक में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? कटक में। बाकी था हमारा कि कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन की हाइड्रेट्स की खोज किस संस्थान ने किया है, तो IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, एंड कल का हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि अगले 4 सालों में भारत 40 उपग्रह के प्रक्षेपण करने की बात कर रहा है, तो उसके लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई है, तो 10,900 करोड़ ये बजट को मंजूरी दिया गया है 4 सालों में 40 उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा गगनयान प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इसको 2022 तक कंप्लीट किया जाएगा मिशन गगनयान को, और 3 भारतीयों को 1 वीक के लिए भेजा जाएगा स्पेस में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जो भी वीडियो आप देखते हैं अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर जरूर किया करिए, साथ ही साथ आपके वीडियो पे अगर ऐड आते हैं तो ऐड को स्किप मत किया करिए, ऐड को पूरा देखा करिए। PDF के लिए आपका कमेंट आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF देख सकते हैं। और बाकी भी जो करंट अफेयर आपका छूटा है तो आपको पता है कि यहाँ पे डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।